हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है CAPF की तरफ से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तरफ से। हेड कांस्टेबल की बम्पर नंबर के सीट के ऊपर वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट की बात करें तो 1526 यानी 1526 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए देखें तो 1283 और वो भी मिनिस्ट्रियल यानी मंत्रालय में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। 1283 पोस्ट, बाकी की पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए 243 सीट्स रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसके लिए ऑल इंडिया की मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इलिजिबल होते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, इसका फुल डिटेल देखना चाहते हैं, तो मैंने इसका नोटिफिकेशन अपलोड किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां पर फॉलो करिए, डाउनलोड करके थोरो आउट नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए। फिलहाल देख लेते हैं कि अलग अलग फोर्सेस में कितना कितना सीट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होगा। फॉर CRPF आपका 282 यानी 282 सीट CRPF के लिए है। BSF के लिए 302 पोस्ट रहेगा। ITBP का 163 यानी 163 सीट, CISF का 496, SSB का 5 सीट और असम राइफल्स में 35। ओवरऑल 1283 पोस्ट रहेगा। अप्लाई के डेट की अगर बात करें तो 9th ऑफ जून से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका 8th ऑफ जुलाई यानी 8 जुलाई अंतिम तिथि है, लेकिन आपको लास्ट डेट तक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करो, बाद में हो जाएगा सर्वर इशू जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी जो लगता है जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट से 200 यानी कि 200 रुपया लिया जाता है। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट है या फिर एक सर्विसमैन है तो आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा। अब रही बात कि एज की लिमिट क्या होगी, सबसे पहले तो जानेंगे कि किस डेट से आपका एज काउंट होगा। एज ऑन 1st of August 2024 मतलब 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 25 वर्ष की जो भी कैंडिडेट है, मतलब 18 to 25 ईयर्स इसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करें कि अपर एज का जो रिलैक्सेशन होता है, OBC को मिलता है 3 ईयर्स का और SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड है। जो भी 12th पास यानी 12वीं पास स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हो, साइंस या कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम में से किसी में भी आपने पास किया है 12th, तो आप इलिजिबल रहेंगे। तो चलिए, सारी बेसिक डिटेल तो हमने समझ ली, अब जानते हैं कि वॉट इज सेलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सेलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन 5 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जाम, देन क्या होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें देखिए, फिजिकल बहुत हार्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका शारीरिक मापदंड यानी हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, क्योंकि पता है हेड कांस्टेबल मंत्रालय में है तो आपका टाइपिंग का भी टेस्ट होगा। DV होगा और मेडिकल होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, सिंपल सा मेडिकल, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए, अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल समझते हैं स्टेज वाइज स्टेज। देखिए फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर जो आपका रिटन एग्जाम होता है, ऑफलाइन पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलता है। समय रहता है 2 घंटे का, यानी कि 2 आवर्स का टाइमिंग रहता है और निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहती है। अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हिंदी या इंग्लिश, मतलब दोनों में से जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल होंगे उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फिर आपका रहता है रीजनिंग का 20 क्वेश्चन। थर्ड है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फोर्थ सब्जेक्ट है क्लर्कियल एप्टीट्यूड, इससे भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। लास्टली बेसिक कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। तो ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम को क्वालिफाई करोगे आप तो PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा।
पहले ही बता दिया है कि इसका फिजिकल हार्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है। तो हाइट की जो मेजरमेंट होती है फॉर मेल कैंडिडेट मिनिमम 165 यानी 165 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल्स मिनिमम 155 यानी 155 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट मेजर किया जाता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 77 to 82, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें क्वालिफाई करते हैं आप तो क्या होता है आपका स्किल टेस्ट, उसमें टाइपिंग का टेस्ट होता है। हिंदी से अगर आप टाइपिंग देते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट। और जब स्किल टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका डीवी मेडिकल होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, फिर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी CAPF फोर्सेस में सर्व करने का मौका मिलेगा एज अ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो जब आप सर्व करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी, इन स्टार्टिंग आपकी सैलरी 25,500 होती है, आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद सैलरी आपकी 81,100 मतलब 81,100 रुपीस पर मंथ की हो जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बम्पर नंबर की सीट आई है तो एक सीट आप अपनी अचीव कर लो। आई होप कि इसके रिगार्डिंग आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब भी कोई डाउट है, मन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।